बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसाई वाचरत्राम बुजुर्गों भाइयों और दोस्तों, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के इस आवाम राबता मुहिम के मकसद और गर्व से मेरे अहबाब ने आपको तफसील से आगाह कर दिया। मैं कोशिश करूंगा कि जो बातें वो कह चले उनको दोबारा ना कहा जाए, लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं, ये चोट गवाह है, ये फजाएं, ये हवाएं, सभी कुछ गवाह है। यहां तक कि ये बेजान पत्थर और ये स्टील की जो चादरें हैं, ये भी गवाह है। एक अरसा हो गया हमें इस चौक में, शहर में, इस ग्राउंड में, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में चीखते चिल्लाते पुकारते के खुशवैनी है, के खुद फरेबी है जो पिछले 65 साल से जिसका हम शिकार हैं। और वो जो बालादस ताकत पर जाकर काबत कूदते हैं, उन्होंने हम में से हमारे अंदर अपने गमाश्ते, अपने कठपुतलियां पैदा की हुई हैं, जो अपने छोटे छोटे मुफादात के लिए, और जो तमाशा आज मुजफ्फराबाद में लगा है आपके सामने है, किसकी कितनी इज्जत है, किसकी कितनी गैरत है, किसमें कितनी एक इज्जत नफ्स है, वो सारा आप पिछले 65 साल से देखते आए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हम सब कुछ जानते समझते निजी मीटिंग्स और महकमों में इस सब कुछ को नापसंद करते हुए, और ये जानते हुए मैंने कहा कि जिस खुद फरेबी और खुशवहमी का हम शिकार है, हमें शिकार किया जाता रहा, जी 47 में ये हम आजाद हो गए और वो बाकी मकबूजा कश्मीर गुलाम है। तो मैं समझता हूं हम में से इस सवाल से बेहतर से बेहतर रहे कि उन्हें एहसास था, उन्हें एहसास है कि वो गुलाम है और आजादी के लिए अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जो है कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं। लेकिन हम खुद फरोबी, खुद गर्वी की गहराइयां जो है, खास किस्म की गहराइयां हैं, उनमें कर हम समझते रहे। हमें समझाया जाता रहा क्या आजाद है, और कभी भी मैं चाहता हूं 47 से लेकर अब तक ये जो गंदा अमल अब शुरू है मुजफ्फराबाद में, आजाद कश्मीर के लोगों की मर्जी से कोई मुजफ्फराबाद के ना तो अवान सदर में गया, ना अवान वजारत में गया, अवान वजीर आजम में गया, जो भी यहां जहां जाता रहा वो कुछ टेक कर सर झुकाकर ये जो इस्लामाबाद में बैठे मक्कार जालम और गुमराह मक्कार, जो पाकिस्तान की मजलूम आराम के मजलूम जज्बात के भी कातिल है, उनके आगे सभी कुछ नीलाम करके वहां जाता रहा। लेकिन आप और मैं के जनाब ये सरदार है, ये चौधरी साहब हैं, ये राजा साहब हैं, ये मेरे कबीले के हैं, ये मेरे इलाके के हैं, जब जितनी बेगारती और बेहमियती कर रहे हैं, मैंने इन्हीं के पीछे चलना है। और बेहमियती का वो अमल व मुसलसल चलते चलते यह आ गया कि अब कोई बेगारत बाइज़त शहरी किसी दूसरे बाइज़त शहरी के सामने सर उठाकर ये नहीं कह सकता कि मैं आजाद कश्मीर का शहरी हूं। और ये नाम नाप गमाश्ते हमारे लीडर मेरे मोहतरम आबाद, ये सारा क्यों है? ये सारा इसलिए है कि हमारे शुरा ने जिस अजीम मकसद के लिए जाने दी थी, उस अजीम मकसद को हम भूल गए। इससे क्या फर्क पड़ता है, महाराजा चला गया, महाराजा की सियासी औलाद आ गई, मेरे महाराजा बन उभरे, और जनाब महाराजा चला गया, चौधराइजम चला गया, बादशाहिज्म आ गया, और फिर यहां जो पहले होते थे नंबरदार, जेलदार, जागरदार, पता नहीं क्या क्या, ये आपके गमाश्ते उसी तरह के छोटे छोटे नंबरदार, छोटे छोटे जागरदार, छोटे छोटे जेलदार बन गए। और अमल वही शुरू किया, वही कर रहे हैं जो 47 से पहले यहां कुछ
बदमाशी किया करते थे। मेरा मोहतरम बाप, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के बताना चाहता हूँ, ये एहसास इस मुहिम का बुनियादी मकसद यही है कि आपको ये एहसास दिलाया जाए, आपके सौ जमीनों को झंझोड़ा जाए, उन्हें जगाया जाए और ये बताया जाए आप आजाद वजाद नहीं, आप आजाद हो तो आपका वजीर आजम के इंतखाब का हक आपको, MIIP का मेजर जो है आपका वजीर आजम को ना करे, वजीर आजम ने कश्मीर आपका हक में आ जाना हो, कश्मीर काउंसिल का जो चेयरमैन है वो आपका बादशाह ना हो और जो जो चीफ सेक्रेटरी जी यहाँ बैठते हैं ये आपके वास्ते ना हो। मेरे मोहतरमा बाप, मैं इस मुहिम का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि आपको इस बात से लाया जाए या पूरे आजाद कश्मीर के लोगों को, बल्कि पाकिस्तान के लोगों को, कि ये जो कहते हैं 47 में हमारे इंसान ने कुर्बानी दी, जाने दी, खून बहाया, इस मकसद के लिए, आजादी के लिए, हकीकी आजादी के लिए, और फिर दो ऐलानिया भी जारी हुए 4 अक्टूबर को 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर की गवर्नमेंट का जो ऐलानिया था, क्या ये जो मुजफ्फराबाद में आज गवर्नमेंट मौजूद है उस ऐलानिया के मुताबिक है? नहीं नहीं नहीं, किसी सूरत उसके मुताबिक नहीं है। उसमें पहला जो शबखून मारा गया, जो पहला वार हुआ वो 1949 में 28 अप्रैल को कराची के बाद काम पर हुआ, और मादा कराची जो है वो मानूस मादा, वो मानूस और नाकाम मादा, जबर की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर, मुनासत की बुनियाद पर और जालसाजी की बुनियाद पर हम पर मुसलत किया गया। उस मादे की बुनियाद पर, उस मादा की रोशनी में ना फिर यह हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान को हमसे काट दिया गया, आधार ताजमहल शमशीर हमसे अलावा कर दिया गया, बल्कि वही 24 अक्टूबर की जो गवर्नमेंट थी जिसका यह दावा था कि वो आजाद उत्तर जम्मू कश्मीर है और ये देश के है, हमने बाकी मादा हम आजाद हो गए और हमने बाकी मादा कश्मीर को आजाद करवाना है, बाकी मादा कश्मीर को आजाद कराना दूर रहा। ये जिसके लिए हम कहते थे हमने आजाद करवाया, हम आजाद हो गए, हमने इसको देश के बनाना है, हमने इसको बदतरीन किस्म की बलब्याती सड़क पर ले जाके खड़ा दिया, हमने अपने इतने आला का सौदा कर दिया, हमने अपनी कानी गैरत का सौदा कर दिया, हमने अपना यह दक्षिण इलाका जिसके लिए हम दावेदार थे हमने उसको तस्लीम करवा दिया और हमने चुप साध ली, और वो जो आर्थिक इंतजाम के नाम पर 47 में गलत बलुस्तान को उन्होंने अपने साथ लिया, आज उसको मुस्तकिल तौर पर अपना हिस्सा बनाने के लिए, मुस्तकिल सदा पर कश्मीर को तकसीम करने के लिए, हतमी तौर पर कश्मीर को तकसीम करने के लिए, वही जो फोर पैक एजेंडा था जनरल मुशर्रफ का, उसको आगे बढ़ाते हुए बैक चैनल डिप्लोमेसी के गंदे अमल पर अमल करते हुए गिलगित बल्तिस्तान को अमलन फैसला सूबे के तौर पर जो है उसके लिए जो है वो ऐलान किया गया, एक पैकेज अनाउंस हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मेरा और आपका ये दावा दुरुस्त, हम इसमें सच्चे हैं, और अगर हम इसमें भी सच्चे हैं, ताजो सदी जी ने कहा सब जलीम अली खान की औलाद उनके इलाके से मुतालिक लोगों, अगर फिर वाक्य हम सब जलीम अली खान के वारस हैं, 47 के शुरा के वारस हैं जिन्होंने एक आजाद जमहूरी और इनकलाबी हुकूमत देश के अंदर काम करने की कोशिश की थी, तो फिर हमें बाहर आना होगा, मादा कराची की मंसूबी के लिए बाहर आना होगा, उन्हें यह पैगाम देना है, बड़ी से बड़ी क्या कहते हैं तालाब में आकर पैगाम देना है, 5 नवंबर को इस ग्राउंड साबर शहीद स्टेडियम में जमा होकर यह पैगाम देना है, गर्तू का अलम उठाकर यह पैगाम देना है, इस वकार का अलम उठाकर यह पैगाम देना है, अजीम सदली महली का पैगाम उठाकर कलम उठाकर यह पैगाम देना है, और जो जो 1 लाख शहीद हो गए मेरी आपकी यारत के नाम पर, मेरी आपकी आजादी के नाम पर, शहीदों में उस अजीम अलम को उठाकर यह पैगाम देना है, जान में मारा।